नमस्ते, आपका मैनिक्योर के वीडियोस में स्वागत है, जहाँ पे आपको अलग अलग उपकरण, टूल्स और कंज्यूमेबल्स दिख रहे हैं। ये मैनिक्योर के प्रोसेसेस में इस्तेमाल होने वाले चीज़ें हैं। इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि हम मैनिक्योर क्यों करते हैं, इन टूल्स के किस तरीके से इस्तेमाल होता है, और आने वाले कुछ वीडियो में हम मैनिक्योर के प्रोसेसेस के बारे में भी जानेंगे। तो आइए देखते हैं। मेनिक्योर मतलब हाथ और नाखूनों के केयर। मेनिक्योर के लिए लगने वाली सामग्री के बारे में हम डिटेल्स के साथ जानकारी लेंगे। यह है शैम्पू। शैम्पू हाथों को सॉफ्ट करता है और हाथों की गंदगी निकालने में इस्तेमाल किया जाता है। यह है हैंड एंड बॉडी लोशन। हैंड एंड बॉडी लोशन से हम हाथों को रिलैक्स कर सकते हैं, ऑयल दे सकते हैं। यह है हाइड्रोजन परऑक्साइड। हाइड्रोजन परऑक्साइड गंदगी को निकालता है। इसके वॉल्यूम्स और परसेंटेज होते हैं, 20 वॉल्यूम और 6% होते हैं। यह है एसीटोन। एसीटोन की सहायता से हम लोग नेल पेंट को रिमूव करेंगे। इसे हम लोग दूसरे लैंग्वेज में भी जानते हैं, रिमूवर करके। यह है नेल पॉलिश। नेल पॉलिश नाखूनों को अच्छे से अच्छा दिखाने में काम आता है। यह है नेल कटर। जैसे कि हमारे लंबे लंबे नाखून्स हैं, तो उसे काटने के लिए या शेप देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यह है मैनिक्योर ब्रश। ये मैनिक्योर ब्रश का इस्तेमाल हाथों के ऊपर की जो गंदगी है उसे निकालने में आसानी देता है। यह है डेड स्किन कटर। इससे जो नाखून की साइड में स्किन डेड होती है उसे निकालने में काम आता है। यह है पुशर। पुशर का इस्तेमाल जो नाखूनों के ऊपर गंदगी होती है उसे पुशर की सहायता से हम लोग निकाल सकते हैं। यह है पॉइंटर। पॉइंटर जब पुशर करते हैं तो जो भी गंदगी है वो साइड लॉक्स में चले जाते हैं। उसे अच्छी तरह से निकालने के लिए पॉइंटर का इस्तेमाल करते हैं। यह है फाइलर, नेल फाइलर। जब हम लोग नेल कटर से नेल्स काटते हैं तो कुछ कुछ क्रिटिकल्स वहाँ पे रह जाते हैं, तो उसे निकालने के लिए या शेप देने के लिए फाइलर का इस्तेमाल करते हैं। यह है स्पंज। स्पंज की सहायता से जो भी हम लोग प्रोसेस करते हैं, अगर स्क्रब लगाते हैं या कोई भी क्रीम लगाते हैं, उसे निकालने के लिए हम लोग स्पंज का इस्तेमाल करेंगे। यह है साइड स्किन कटर। ये जो नेल्स के साइड में एक्स्ट्रा स्किन होती है उसे निकालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यह है बफर। बफर का इस्तेमाल अगर कोई क्लाइंट को नेल पेंट अच्छी नहीं लगती है तो बफरिंग से हम लोग नेल्स को शाइन दे सकते हैं। यह है कॉटन। बहुत सारी प्रोसेस हम लोग करने वाले हैं, जैसे कि एसीटोन से नेल पेंट निकालने वाले हैं, तो एसीटोन डायरेक्टली नेल पेंट नहीं निकालेगा, तो इस कॉटन की सहायता से हम लोग नेल पेंट निकाल सकते हैं। यह है क्यूटिकल क्रीम। क्यूटिकल क्रीम का इस्तेमाल नाखूनों को सॉफ्ट करने के लिए, जैसे नाखूनों के ऊपर बहुत सारी गंदगी होती है उसे सॉफ्ट करने के बाद हम लोग इजीली निकाल सकते हैं। यह है स्क्रब। हाथों के ऊपर बहुत ज़्यादा गंदगी होने की वजह से डेड स्किन आ जाती है, तो डेड सेल को निकालने के लिए स्क्रब इस्तेमाल किया जाता है। यह है एस्टिंजन लोशन। कोई भी सामान फिक्स एसेट जैसे कि फाइलर है, नेल कटर है, साइड स्किन कटर है, ये जब हम लोग इस्तेमाल करते हैं तो स्टरलाइजेशन का काम करेगा। यह है एंटीसेप्टिक लोशन। यह एंटीसेप्टिक से हाथों पे या कहीं पे जर्म्स बैठ जाते हैं तो उसे मारने का काम करता है। ये कटोरिया है। जो भी सामान इस्तेमाल करने वाले हैं तो इस सामान को हम लोग अच्छी तरह से रखने के लिए एक कटोरी का इस्तेमाल करने वाले हैं। यह है टॉवल। टॉवल का इस्तेमाल, हम लोग पानी में काम कर रहे हैं तो हाथों को पोंछने के लिए टॉवल का इस्तेमाल होने वाला है। तो इस वीडियो में हमने ये देखा कि क्या क्या टूल्स है और क्या क्या कंज्यूमेबल्स है और क्या क्या
अलग अलग लिक्विड्स इस्तेमाल होने वाले हैं मैनिक्योर के प्रोसेस में। आने वाले वीडियोस में हम ये भी देखेंगे कि किस तरीके से मैनिक्योर होता है और ये सारी टूल्स असलियत में किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। तो हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।